सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अत भारी तुमरे कर्तव तुम ही जानो तुमरे कर्तव तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जी नाम जपत मन हरिया हुए कथा सुनत मल सगली खोवे नाम जपत मन हरिया हुए कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन के सदा जप हो दयाला जी प्रभु अपना सास सास समार एह मत गुर प्रसाद मन धार तुमरी कृपा ते हुए परगासा सर्व मया प्रतपाला जी सत 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 प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक भे निहाला जी सुख टल गुर सेविया एहन सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जा दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जा वाहिगुरू साहिब जीओ गुरु गरीब निवास सलोक बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण बसंत स्वर्ग लोक जित ते पृथ्वी नव खंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमण कौतक कोड तमाशया चित ना आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाप्यान उद्यान नगर कर मान्या झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जम डंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै सैतानिया
बिन पूरे गुरुदेव फिरै सैतानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, अपनिया मनोबिरतियां नू इकागर करो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कलयुग दे बोएथ हाजरा हजूर सर्वकला भरपूर तख्त चवर दे मालक जागत जोत बाणी दे प्रकाश दे चरणा ते शीश चुकाओ ते जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। आप जी ने अमृत वेले जो सतगुरु जी ने पितर हुक्मनामा बख्शिश किया, आप जी ने सरवण किया है। आओ कुछ समा अज दे पितर हुक्मनामे दी विचार सतगुरु जी की बख्शिश अनुसार कर सकीए। एक बारी फिर रसना पितर करिए ते जपिए सतनाम श्री। पहला ये विचार कर लीए जिहड़ा परमात्मा नूं विसारना है। जब सतगुरु जी कह रहे ने जिसने परमेश्वर नूं विसार दिता है वो भटकदा है, वो भरमदा है। जिसने परमेश्वर नूं विसार दिता है इउं समझ विच आउंदा है कि वह टुट चुकिया है, ऐसा टुट चुकिया है। बंदा जदों बंदगी तो टुटदा है इस गल तो भी टुट जाता है कि वह बंदा भी है कि नहीं। जदों मनुख परमात्मा तो टुटदा है उस दे अंदरों जो मनुखता का भाव है वह भी टुट जाता है। परमेश्वर नूं टुटिया होया बंदा सब कुछ ही लुटा बैठता है, वह गुण भी लुटा बैठता है जिन्हां गुणा करके ये मनुख है। परमात्मा नूं उसारन वाले अपने गुणा नूं गवा लेंदे हन। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, मन एक ना चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, वो अपने गुणा नूं भी गवा लेंदे हन। वेखण विच आउंदा है परमेश्वर नाल टुटिया होया बंदा उस दे जो बोल हन, जो उसकी रसना ते बोले जांदे हन, सच आखां जो मनुख दे बोल हन ओ बोल भी गवा बैठदा है। हुण तां इउं लगदा है कि परमेश्वर नूं विसार के उस दे अंदरों चंगे शब्द ही नहीं लभदे जिहड़े बोल सके, क्योंकि अंदर उस दे चंगे शब्द गुवाचे हुए हन। इस करके उस दे बोल कबूल हो जाते हैं। जिहड़े परमेश्वर नूं चेते रखते हैं उन्हां दे बोल भी चंगे होंदे हन, उन्हां दे बोल भी मिठे होंदे हन। वो जिन्ना भी बोलते हैं हर बोल दे विच उन्हां दा ज्ञान होंदा है, उन्हां दे हर बोल विच सच्चाई हुंदी है। पर जिहड़े परमेश्वर नूं विसार दिंदे ने ये बिल्कुल सच है, उन्हां दे चंगे बोल गवाच जांदे ने। ये भी वेखण विच आया जिन्हां ने परमात्मा नूं विसारिया उन्हां दी देखणी भी वह नहीं रहिंदी जिहड़ी मनुखां वाली होवे, क्योंकि हर देखण दे पिछे
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਭਾਵ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਰਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸੌ ਗਈਆਂ, ਨੈਣ ਸੋਏ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਚਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਸੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਚਸਕਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਝੱਗ ਕੱਢਦਾ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਝੂਠ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਉਗਲੇਗਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਉਗਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝਈਆ ਪਾਏ ਝੱਗੂ ਸੁੱਟੇ, ਚੱਖਦਾ ਚੱਖਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜੋ ਕਰ ਬੂਝੈ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਝਗੜੇ ਦੈ ਉਸ ਗੱਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬੋ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡਿਆ ਜੋ ਰੰਨ ਦੁਹਾਗਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਉਸ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲਾਇਆ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਗਣ ਰੰਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੂੜ ਸੁਣਨਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜੇ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਪੁ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इतने शहर विच एक क्यों आ गए हैं? कारण एको ही है, क्योंकि इन्हां दी चाल बदल गई मनुख दी। अगे चाल परोपकार वल जांदी सी, हुण उही चाल दुराचारी वल जाण लग पई। अगे ये कदम किसी दुखी की सहायता वास्ते जांदे सन, पर परमात्मा नूं उसारन वालिया दे कदम मनुख नूं होर दुखी करन तुर पैंदे ने। कदे ये कदम परोपकार वास्ते, सच दे दीदार वास्ते, गोबिंद की प्राप्ति वास्ते उस पासे तुरदे सी जो सतगुरु जी ने कहा, चरण चलो मार्ग गोबिंद। हुण विसार के परमेश्वर तो पिठ करके उधर तुर पे हन, जिधर जहर ही जहर है। ये व्यापारी भी जहर दे बन गए, यह जहर दे व्यापारी बन गए। सच है जहर दे व्यापारी बन गए, उसे जहर ने अंदर इन्हों दुराचारी बना दिता है। सचमुच जिन्होंने परमेश्वर विसारे है उन्होंने कर्म भी बदल गए। वेखे वो ही हाथ सन जेड़े निर्मल कर्म करते सी, उन्हां हत्थां दे नाल वेखे कई जीवन तबाह होंदे हन। कोई हाथ विच फड़ी हुई कलम किसी नूं जीवन मार्ग दिंदी सी, कोई हाथ विच फड़ी हुई कलम ने अज मनुख की जवानी बर्बाद कर दिती। जप सतनाम श्री, हाथ वही सी जो किसी मजलूम का सहारा बन जाते सी, अज वही हाथ मनुखता के कातल बन गए हैं। जप सतनाम श्री वाई, पर उदों ही जदों कोई परमात्मा विसार देता है, इं लगता है कि परमात्मा विसारना ही सब तो वड्डा पाप है। सब तो वड्डा जो पापी कोई है वो कौन है जिसने परमेश्वर विसारिया? सब तो वड्डा पापी वो है जिहड़ा परमात्मा नाल टुट गया। सब तो वड्डा पापी वो है जिसने सच नालों नाता तोड़ लिया। ते पुन्नी कौन है? पुन हुंदा ही एक है, पुन कदे दो नहीं होए, पुन हमेशा ही एक हुंदा है। वो पुन केड़ा है? कल मैं ए हो पुन गुण गोबिंद गाहे। परमात्मा नूं याद करना ही पुन है। तीन पाप वड्डे मने गए हैं जिन्हां नूं शास्त्रकारां ने भी तीन पापां नूं तरजीह दिती है। एक पाप वो सब तो वड्डा कहिंदे हन कि बेमुख होना। बेमुख दा पाप जिहड़ा परमात्मा की होंद नूं स्वीकार ना करे वह बेमुख है, जिहड़ा सच की होंद नूं स्वीकार ना करे वह बेमुख है, जिहड़ा परमात्मा की होंद नूं स्वीकार नहीं करता वह बेमुख है। भाई साहब कहिंदे ने, भाई गुरदास जी, सारे संसार के पाप, सारी सृष्टि के जितने पाप हैं एक तकड़ी दे एक पलड़े विच पा दिए, दूसरे पलड़े विच बेमुख का एक रोम कट के रख दिए, एक वाल कट के रख दिए, वह पापा नालों भारी है। जब सतनाम श्री वाहिगुरु, वो पापी जिसने परमात्मा की होंद नूं नहीं मनिया, वो पापी जिसने परमेश्वर की होंद नूं स्वीकार नहीं किया, सच नूं नहीं मनिया, जिसने परमेश्वर नूं विसार दिता, वह बेमुख। भाई गुरदास कहिंदे ने वह सारिया पापां दे नालों उसका एक रोम एक वाल भी उस तो कई गुणा वध पापी है। दूसरा पाप किसी का दिल दुखाउणा। एक बारी सारे जपो सतनाम जी। किसी का दिल दुखा देना सब तो वड्डा पाप है, क्योंकि हर एक दे अंदर परमात्मा वसदा है। बंदे ये जान ली, तू किसी का दिल नहीं दुखाया, तू रब का ही दिल दुखाया है।
तू किसी बंदे का दिल नहीं दुखाया, तू परमात्मा का ही दिल दुखाया है। हुण परमात्मा दे दिल नूं दुखाउण वाला पापी नहीं तो होर की है, जब सतनाम श्री वाहे, उस तो वड्डा पापी कहड़ा हो सकता है। एक अयाली भेड़ां चारन वाला, भेड़ां चारदा चारदा अपनी झोंपड़ी ते पहुंचिया, पर खुदा नाल बड़ा प्यार करता है, हर समय उसनू खुदा दी हुण ते भरोसा है। उसने खुदा नूं अपना ही मनिया, उसका हर श्वास खुदा दे प्यार विच है, उसकी देखनी भी खुदा वाल है, उसका बोलना भी खुदा वाल है, उसकी सोचनी भी खुदा वाल है। ऐसा प्राणी अयाली भेड़ां चारन वाला झोंपड़ी विच बैठ के बोल रहा है, हे खुदा मैनू पता लग्या, सारे कहिंदे ने कि खुदा एक है, इको एक है परमात्मा, बोलिया तू भी एक है ते मैं भी एक हाँ, असी दोनों कल्ले हाँ। ये खुदा तू एक है, तू कल्ला रहना, तू एक है ते मैं भी एक हाँ, मैं भी झोंपड़ी विच इकल्ला ते तू भी इकल्ला है, तो फिर क्यों ना करिए तू ही मेरी झोपड़ी विच आ जा, आपां कट्ठे रह लिए, जप सतनाम श्री वाहिगुरु, तू मेरी झोंपड़ी विच ही आ जा, आपां कट्ठे रह लिए। हाँ मैं तैनू यकीन दवाना प्रशादे मैं पका दिया करांगा, तैनू तकलीफ नहीं देंगा, आपां छक कट्ठे लिया करांगे, तू सोएगा मैं पखा चल दिया करांगा, सेवा कर देंगा ताकि हे खुदा तेन नींद भी आ जाए, पखा मैं चलांगा, मैं तेरे वास्ते जो जो कहेंगा मैं सब कुछ कर लांगा। हाँ खुदा जे मेरे वांगू तेरी तंबी पाट गई वह भी सी देंगा, जब सतनाम श्री वाहिगुरु, क्योंकि मेरी तंबी पाटी हुई है। अयाली बोलिया मेरी तंबी पाटी हुई है, मैं अपनी तंबी नूं आप सीऊ लैना, मैनू तेरे नाल प्यार है, जे तेरी तंबी इस तरह पाटी है तो मैं उसनू भी सी देंगा। कोलों मूसा लंघ रहा सी खुदा नूं मनण वाला, मूसे ने सुनिया ये कौन काफर है जिहड़ा कह रहा है खुदा दी तंबी पाट जाए तो मैं सी देंगा। मूसे नूं गुस्सा आ गया, उसने अयाली दे खिच के मुख ते चपेड़ मारी। मुख ते चपेड़ मारी, अयाली ने कहा ए खुदा मेरे कोलों कोई बोलण विच गलती हो गई होवेगी, मैनूं माफ़ कर दे, मैनूं फिर भी तेरे नाल प्यार है, जे तू चपेड़ा भी मारेगा तां भी मैं बर्दाश्त कर लवांगा, लेकिन तू मेरी झोपड़ी विच आ जा। जब सतनाम तू मेरी झोंपड़ी विच आ के रह। हे खुदा मैं सच कहना हुण मैं भी इकला नहीं रह सकदा, तेरे तो बिना मैनू होर कोई प्यारा लगदा नहीं, तेरे तो बिना मैनू होर कोई मित्र लगदा नहीं, जिस मित्र नाल मैं सांझ पा सकां। मैं सारे मित्र वेख ले ने, सब झूठे ने, सब साख झूठे ने, सब अपने सुखां दे नाल जुड़े हुए ने। मैं वेख लिया तेरे तो बिना होर कोई मित्र हो नहीं सकता, तू मेरी झोंपड़ी विच आके ठहर। मूसा चला गया चपेड़ मार के, जदों बंदगी विच बैठा आवाज़ आई ए मूसे तू अज की कीता है, कहन लगे मैं की कीता है खुदा, तू मेरे नाल प्यार करदा है पर अज तू मेरे मुँह ते चपेड़ क्यों मारी है। जपो सतनाम श्री।
आवाज़ आई मूसे नू, ए खुदा तू मेरे अज मुँह ते चपेड़ क्यों मारी है। खुदा बोले मूसे तू क्यों चपेड़ मारी है। मूसा बोलिया भला मैं तुहाड़े मुख ते चपेड़ मार सकदा हाँ, मेरे विच की जुरत है कि मैं तुहाड़े मुख ते चपेड़ मारा। कहन लगे नहीं मूसे, जिस दे विच मैं वस रहा सी उस दे मुख ते तू चपेड़ मारे उसनू नहीं वजी और मैनू वजी है। जपो सतनाम श्री, ये उसनू नहीं वजी ये मैनू वजी है। सच है जदों कोई किसी का दिल दुखाउंदा है तो फिर समझ लईए वो दिल बंदे का नहीं परमात्मा का दुखाउंदा है। परमात्मा हर एक दे अंदर वसदा है तो फिर वो दिल बंदे का नहीं परमात्मा का दुखाउंदा है। सच है ये सब तो वड्डा पाप है, पर जो परमात्मा की याद विच रहिंदा उस तो वड्डा कोई पुन भी नहीं है। जिहड़ा याद विच रहिंदा है, जो हर जीव के अंदर परमात्मा का स्वरूप वेखदा है उस तो वड्डा कोई पुन नहीं है। जपो सतनाम श्री वाह। तीसरा पाप है ये ध्यान नाल सुनना, मनुख दे अंदर आलस दा आ जाना ये सब तो वड्डा पाप है। आलसी मनुख भी पापी है। आलसी बहुत वड्डा पापी है। आलसी परमात्मा नू याद नहीं करता। आलसी दे विच परमात्मा नू याद करन वाला उदम हुंदा ही नहीं। मनुख दे अंदर आलस दा आ जाना उस दे अंदर इउं समझ लो उस दे अंदर एक ऐसी जहर इकट्ठी हो गई है जिस जहर ने उसनू आत्मक मौत मार देना। आलसी मनुख अमृत वेले सुता रहिंदा है। ये सच है अमृत वेले सोना भी जहर पीण दे बराबर है। जो अमृत वेले सोंदे ने सुते रहिंदे ने वो नित जहर पींदे ने। जिन्हां ने नित जहर पीणी शुरू कर दित्ती है उन्हां नू आत्मक जीवन कौन देगा। इस जहर ने उन्हां नू आत्मक मौते मार देना। सुता सुता मनुख सब कुछ लुटा बैठता है, उसके पास कुछ नहीं रहिंदा। असी आलसी भी वेखे है वह परमात्मा का नाम सुनदा तां वी आलस विच। जे अगर गुरुद्वारे गुरु दे दीदार करन जांदा है तां वी आलस विच। वो जिधर भी मुख करदा है आलस है। मैं ये भी नहीं कह सकता ऐसा बंदा संगत विच बैठा बैठा कीर्तन करदा भी सौ जाए, हो सकता है। ऐसे भी वेखे ने बे गुरु शब्द की विचार चल रही होवे ते बंदा सुता पिया होवे वो आलसी है। वो सतनाम श्री जिसने कीर्तन विच ही आलस करके सो जाना है उसका सुनना भी अधूरा है। उसने विचार भी अधूरे सुनने ने। ख्याल करना ये बड़ी वड्डी गल है। अज तो आपां एक गल याद करके जाइए भाई गुरु दरबार विच आके जो विचार चल रही होवे कीर्तन हो रहा होवे सतसंगत विच सौ जाना इस तो वड्डा कोई आलस नहीं है। जो सतनाम श्री वाहे। जिथे सतगुरु जी का प्रकाश है सतगुरु जागता है देव
ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਲਸੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਲਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਆਲਸੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਬੁਝਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣ ਲਈ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਬੰਨਦੇ ਬੰਨਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਦ ਫੜ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਤੂੰ ਬੁਝਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਤੂੰ ਬੁਝਾ। ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਦੇਵਤੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲੀਆਂ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੁਖ ਲਿਆ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭੁਪੱਕੜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟਪਕਿਆ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਖਣਾ ਕੌਣ ਦੇ ਆ? ਜਪ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹਾਂ, ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਆਲਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਲਸੀ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਲਸੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਦੰਭੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆਲਸੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਲਸੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਈ ਵਿਛਾਵੇ ਸੌ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਆਲਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਣਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਟਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਵੇ ਤੇ ਸੌ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਲਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਕਰੇ ਹਨ ਇਸ ਆਲਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਲਸੀ ਆਪ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਠ ਮੰਗਦਾ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਠ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਰੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਅਤੇ ਰੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਹਨੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਸੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਇਹ ਆਲਸੀ ਦਾ ਆਲਸੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਉਤਨਾ ਪੇਟੂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਲਸੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆਲਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਸੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲਸੀ ਸੌਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲਸੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਲਸੀ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਆ ਜਿਤਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ ਸਭ ਆਲਸੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਆਲਸੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਬਈ ਆਲਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਸ ਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਲਸ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਆਵੇ
ਜੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੇਗਾ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਈ ਆਲਸ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਆਲਸ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਆਲਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਲਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਨੀਂਦੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨੈਣ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗੀ ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਗੁਰਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਆਖੇਗੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਲਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੀੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਪੀੜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੀਂਦੇ ਜਾਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਖੜ੍ਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ,
अजे मित्र नूं नहीं पता जिन्हें आना जिहड़े सी अपने आप नूं चंगी वस्तु समझदे आ ना वह पहला तैयार ही करी दी है वह तैयार करके रखी दी है कि मेरा प्यारा आएगा इंतजार खत्म हो जाएगी मेरे कोल बैठेगा तो मैं ये भेटा उसके चरणों में रखा जो सतनाम श्री ठीक है ते सच है जदों भेटा रखी दी है हुण एक गल एक होर है कि जिहड़ी तुसी भेटा रखी है वो प्यारे नूं स्वीकार भी होनी चाहिए है जब सतनाम श्री दे जदों स्वीकार हो जाए तुहाडी रखी हुई भेटा फिर तुसी वेखना कि साडे ते तुहाडे विच की अवस्था होंदी है ते फिर मैं सच कह दियां परमात्मा नाल प्यार हो जाए उसकी इंतजार हो जाए जब सतनाम श्री आए जेडे प्यार परमात्मा नाल प्यार हो जाए उसकी इंतजार हो जाए उसकी इंतजार विच याद रहे हर समय उसकी याद रहे उसकी याद विच मैं सच आखांगा तो याद करने वाला पता की सोचेगा सब तो अमोलक वस्तु मेरे प्राण हन हे प्यारे जे तू मेरे को आ जाए तो मैं सब तो पहला मैं अपनी प्राणा की भेटा तेरे अगे कर दिया ये कहन नाल गल नहीं है और जेड़ा हुण प्राण भेट कर लगे है कदे कोई सोच सकता है हुण आलसी होएगा जब सतनाम श्री वाहे कोई सोच सकता हे प्रभु कृपा करो कीड़ी दे घर भगवान आया मेरे प्राण ही तुहाडे चरणां विच हाजर हन प्राण ही स्वीकार करो पर जिस दा प्यार है ते मेरा प्यारा पता की कहिंदा है प्राण भी उसे दे स्वीकार होणगे जिसने प्यारे दे हुक्म नूं सुनिया समझिया ते मनिया है जप सतनाम श्री ओ प्राण स्वीकार करदा है ओ भेटा स्वीकार हुंदी है जिस दे अगे रख रहे हाँ कि सिर्फ भेटा ही रख रहे हाँ कि की उसका हुक्म भी मनीदा है एक गल होर जिवें प्यारे दी इंतजार है हुण प्यारे दी इंतजार लई प्यारे दी इंतजार लई प्यार पाउण लई जुगत की है जप सतनाम श्री हुण जिस प्यारे दे इंतजार लई असी प्राण भेटा करना चाहुंदे हां उस प्यारे दे प्यार लई उस दे प्यार नूं पाउण दी जुगत की है ते सच मैं आखदे हां कि जिस नूं हर समय मौत दी इंतजार है वह भी आलसी नहीं है जप सतनाम श्री जिन्हां नूं मौत दी इंतजार नहीं वह आलसी नहीं जिन्हां नूं मौत दी इंतजार रहिंदी है वह चेते रखते हैं जिन्हां नूं मौत दी इंतजार है वह प्रभु की बंदगी करते हैं जिन्हां नूं मौत दी इंतजार है तो वह फिर प्यार भी करते मौत दी इंतजार है जे चेते है उत्थे आलस कोई नहीं है सचमुच फिर वह आलसी नहीं हुंदा जिसनूं मौत दी इंतजार है। राजे जनक ने सुखदेव मुनि नूं ज्ञान देन लग्या एक गल आखी हे सुखदेव मुनि तू इस शहर का एक चक्कर लगा के आ। सुखदेव मुनि राजे जनक दे कहने ते उस शहर का चक्कर लगाने चला गया जदों पूरा चक्कर लगा के आया राजे जनक ने पूछा हुण तेरी अवस्था की है आखन लग्या मैं शहर विच बहुत कुछ देखिया है मैं बड़िया खेलां वेखियां लोकी हसदे वेखे
मैं लोकी नचदे टपदे वेखे, मैं शहर दियां सारियां रौनकां नूं वेख्या, मैं शहर दे विच जमदे जीव वेखे, मरदे भी वेखे, मैं मुरदे भी वेखे, हाहाकार भी वेखी, पुकारां भी वेखियां, मैं शहर विच ठगियां हुंदियां भी वेखियां, ते शहर विच भगती दे भगतां वलों उपराले भी वेखे। राजे जनक ने कहा, तेरी की अवस्था है? सुखदेव मुनि, हुण तेरी की अवस्था है? कहण लग्या, मेरा मन इस शहर दे जो खेलां वां उन्हां खेलां विच मस्त हो गया। कहिंदे, तेरा मन खेलां विच मस्त हो गया, ते हुण तेरा मस्त मन दी की अवस्था है? जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहिंदे, उन्हां विच ही उरज गया। उरजण तों बाद तेरी की अवस्था है? कहिंदे, मैं उसे नूं ही सच मन लिया। जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्यों मनिया सच? मैनूं उन्हां विच सुख भी जापे हन, मैं अपने आप नूं समझ नहीं सकिया कि मैं उधर क्यों फस गया हाँ। राजे जनक ने बुलाया, दूसरा दिन आ गया। कहिंदे, एक दीवा है, दीवे विच तेल भर दिता, ते सुखदेव मुनि दे हाथ विच फड़ा दिता, मगर ही एक बंदा तलवार लैके मगर तोड़ दिता, नंगी तलवार लैके आख्या, शहर दा चक्कर लगा के आ दीवा फड़ के वेखी, एक तेल दा तुपका भी धरती ते ना डिगे, जे तेल दा तुपका डिग गया तो ये तलवार दे नाल तेरा सिर कट दिता जाएगा। हुण सुखदेव मुनि सारे शहर दा चक्कर लगा के आ गया, एक तेल दा तुपका भी नहीं डिगया। राजे जनक ने पूछया, हुण की तू वेख्या? जपो सतनाम श्री वाहे। हुण तू शहर विच की वेख्या? कहिंदे, तुहानू वेखण दी चेते सी, मैनू मौत चेते सी। जपो सतनाम श्री। जे मैं एक अख दी पलक एक वारी दूसरे पासे वेखण विच ला दित्ती ते तेल डुल जाएगा, जे तेल दा तुपका डुल गया मगर तलवार वाला मेरी गर्दन कट देगा, मैनू मौत दा डर सी ते इस दीवे नाल प्यार हो गया। जपो सतनाम श्री वाहे। मैनू मौत दी इंतजार सी, ध्यान मेरा दीवे विच टिक गया, मेरी मौत दी इंतजार सी, ध्यान मेरा इस दीवे दे तेल विच टिक गया। राजा जनक बोले, जे हर समय तैनू मौत दा इंतजार रहे ते ध्यान तेरा परमात्मा विच टिक जाए। जपो सतनाम श्री। फिर तेरा ध्यान परमात्मा विच टिक सकता है, जे हर समय तैनू मौत दा इंतजार रहे ते फिर तो सच गल आ गई सामने। की सच गल सामने आई? जिथे मौत दी इंतजार है उत्थे प्यार है, जिथे इंतजार है उत्थे प्यार है। जे प्यारे दी इंतजार रहे तां प्यारे दा प्यार रहेगा, प्यारे दी इंतजार विच प्यारे दा प्यार है। सचमुच बड़ा ही प्यार है, प्यारे दा प्यार भी बड़ा प्यार है। ते फिर ये गल यकीन करके जाना, जेड़े ब्रह्म नाल प्यार करते ने, ब्रह्म दी इंतजार करते ने, एहो प्यार ही उन्हां लई, प्यारे दा प्यार ही, ब्रह्म दा प्यार ही उन्हां लई परम धन है। जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस शब्द मैं क्यों वरत्या? परम धन, धन तो बहुत सुने ने, पर ये ऐसा परम धन है
जेड़ा ब्रह्म दी इंतजार विच प्यार करता है ये उस दे लई परम धन है। संसार दा कोई धन भी उस प्यारे दी इंतजार तो उसनू प्यार करन वाले नू नहीं हटा सकता, कोई लोभ उसनू परे नहीं हटा सकता। जब सतनाम श्री वाहिगुरु वो अपने आप नू कुर्बान कर देगा, लेकिन प्यारे दी इंतजार ते प्यारे दा प्यार नहीं छड़दा। जप सतनाम श्री वो कह रहे है हे काम तू मेरा सारा मांस खा लिया है, कोई गल नहीं, तू मेरा सारा मांस कला कला खा गया हे काम। बाबा फरीद कहंदे ने तू सारा मांस खा गया, मैं तेरे ते गिला नहीं कीता, पर मेरिया हुण अखां नू ना छेड़ी, मैनू अजे भी प्यारे दी इंतजार है। जप सतनाम श्री जी मैनू अजे भी प्यारे दी इंतजार है। कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए तो ए नैना मत छूयो फिर देखण की आस। अजे मैनू प्यारे दी इंतजार है। उन्हां दे कोल जे सब तो कीमती कोई खजाना है तो यह प्यार है, यह ही परम धन है। प्यारे दी इंतजार विच कीता होया प्यार ही प्यारे लई परम धन है। लेकिन जे अगर कोई प्यारे नू जान लवे, जप सतनाम श्री वाहिगुरु, जिन्हां ने प्यारे दी इंतजार दे विच प्यारे दी महिमा नू जाणिया, गुणां नू जाणिया, उन्हां गुणां दी याद जो है, जिन्होंने प्यारे दी इंतजार दे विच प्यार पा के गुणा नू जान लिया, गुण भी गाई जाते हैं तो इंतजार भी करी जाते हैं, प्यार भी करी जाते हैं, उन्हों का यह परम जीवन है। जप सतनाम श्री वाह भी जीवंदे तो सारे होणगे कहंदे ने, पर ऐसा जीवन कोई जींदा है जिहड़ा प्यारे दी इंतजार विच प्यारे दे गुण गाई जांदा। जप सतनाम श्री जिसनू इउं लगदा है कि जिधर भी नज़र मारदा है उसनू इउं लगदा है कि हर परमात्मा दी बनाई हुई रचना प्यारे नू याद कर रही है, वो आप कहंदा है पत्ते पत्ते नू कहंदा है तुसी भी याद कर रहे हो मैं भी याद कर रहा। हर बनस्पति दे खेड़े नू कहंदा है तुहाडे खेड़े विच भी याद है, तुसी याद तुहाडे खेड़े विच है ते मैनू भी याद है। सतगुरु नानक कहंदे ने बबीहे नू याद है, हे माता बबीहा बोली जांदा है सौंदा नहीं, माता बबीहा बोली जांदा है सौंदा नहीं, इउं लगदा है इसनू भी मेरे वांगू सजन दा विछोड़ा जापदा है, सजन दी याद विच बोल रहा है। जे अगर बबीहा नहीं सुन सकदा माता तेरा बेटा नानक किवें सौं जाए। सतनाम बबीहे दी याद परम जीवन है। परम जीवन वाला कोई जा रहा है, बड़ी सुरीली आवाज़ सुनी मस्त हो गया, मस्त आवाज़ सुन के ऊपर वेखदा है एक पंछी नू वेख्या, पंछी नू वेख के परम जीवन वाला जो परमात्मा दी इंतजार विच प्यार पाई बैठा है उसका रोम रोम गुण गा रहा है, उसका श्वास श्वास गुण गा रहा है, कहता है तेरी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है बड़ी मिठड़ी है, जिस आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया है, पर मैनू तू ये दस तेरा रंग क्यों काला हो गया। जब सतनाम श्री काली कोयल तू कित गुण काली, ए काली कोयल तेरी आवाज़ बड़ी मिठी है सुरीली है, कोयल बड़ी मस्त कर देती है तेरी आवाज़, पर हे पंछी तेरा रंग क्यों काला हो गया। जब सतनाम श्री अपने ही अनुभव परम जीवन वाला ये दरवेश फकीर कह रहा है मैं समझ गया, मैं समझ गया
तू भी अपने प्रीतम ते सजन दी याद विच गीत गा रही है ते तेरे अंदर भी सजन दा इतना बैराग है, इतना बैराग है, उसकी याद कर करके तू अपना रंग काला कर लिया। जप सतनाम श्री है। मेरी समझ दे विच ए परम सुख है, इस तो वड्डा कोई सुख नहीं है। होर सारियां खोजां विच दुख ने, होर सारियां खोजां विच दुख ने, पर इत्थे परम सुख है। ये ठीक है, जो मैं प्यारे नाल प्यार हो जाए, प्यारे नाल प्यार हो जाए, फिर प्यार हो गया, वेखी दे कड़ा तो कच्चा है, दरिया विच जा रहा है, कड़ा तो कच्चा सी, पर उस वक्त तो उसनु कच्चा भी नज़र नहीं आया। जब सतनाम श्री वाहे, उस कड़े ते बैठ के कोई प्रेम का दीवाना जा रहा है। जप सतनाम श्री वाहिगुरु, पर यह वही जान सकता उसके हिरदे विच की है। खोज नू तुरिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु, उसका कच्चा घड़ा उसके लिए परम सुख बनिया बैठा है। जप सतनाम श्री वाहे, नहीं जानता कि इस कच्चे घड़े ने संसार की नज़र विच दुख है, उस वक्त उसते की बीतती वही जानता है। जप सतनाम श्री सचमुच वही जानता है। इसका भाव है कि जेड़ा ब्रह्म की खोज विच निकलता है अपने आप नहीं हो सकती, उन्हां कोल पुछना पैंदा जिन्होंने खोज लिया। जब सतनाम श्री उन्हां नूं पुछना पैंदा है, साडे कोल दबिया होया खजाना होवे पुछ लिए बई खजाना पुटन तक तो कोई कष्ट है, पर जे खजाना मिल गया तो फिर परम सुख है। जब सतनाम श्री फिर परम सुख है। और खोजते खोजते कुछ समा लग सकता है, कुछ कष्ट आ सकता है, तो जो खोज पूरी होगी तो खोजी तो चोजी मिल गया तो फिर परम सुख है। जब सतनाम श्री परम सुख है। हुण खोज विच आलस नहीं हो सकता, खोज विच आलस नहीं हो सकता। गुण गाउण दे विच जे सचमुच प्यारे दी इंतजार है, जे परम जीवन वाल कोई तुर पिया है, तो आलस नहीं है, नहीं आलस है। वेखिया है साधु भी खोज करता है, जेड़ा परमेश्वर की खोज भी निकल रहा साधना कर रहा वह साधु है। वो सतनाम श्री वाहे, वो साधु है। तो साधु जिथे बैठता है वह थान सुहंदा है। जेड़ा खोज नहीं करता, जिसने परमेश्वर की प्यार लई साधना नहीं की, तो साहिब कहिंदे ने वह वसदे शहर विच रहिंदा है, बेशक उसने उसनू सच मनिया होया लेकिन वह उजाड़ है। जब सतनाम श्री वह झूठ है, वह भयंकर जंगल है। वह साधु है जो साधना कर रहे है, वह साधु है जो साधना कर रहे है। जिसने ब्रह्म तक पहुंच कर ली है वह संत है। जब सतनाम श्री वाहे, जिसने ब्रह्म तक पहुंच कर ली है वह संत है, और जिसने ब्रह्म के बारे जान रहा वह ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म नू ही पा लिया ब्रह्म ज्ञानी है। जब सतनाम श्री वाहे, जेड़ा एक आत्मक जीवन देण वाले प्रभु की सिफ सलार नाम रूपी जल विच टिकया होया है, उसे ने ही ब्रह्म की पहचान की है, वही ब्राह्मण है। पर इत्थे विचारना पेगा इस दे साधन कई प्रकार दे ब्रह्म नू पहचानने वास्ते मनुखा ने बनाए हैं, पर यह विचार करना पेगा कि जेड़े साधन बनाए हैं, हर साधन बनाने वाले नू ये सोचना पेगा कि जेडे मैं साधन बनाए हैं परमात्मा की ब्रह्म की पहचान करने वास्ते, की इन्हां साधना तो नतीजा की है, इन्हां साधना तो प्राप्ति की है।